go. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास है 2023 की लेटेस्ट मॉडल TVS की अपाची RR310, जो कि है मेरे पास E20 मॉडल। यानी कि यहां पे आप लोग देखेंगे तो अब इसमें भी आपको इथेनॉल 20 की बैचिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग क्लियर हो गए, ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो आज हम जानेंगे कि 2023 में RR310 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसमें आपको क्या क्या मेन चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या की प्राइस देखने को मिलती है, क्या नए अपडेट देखने को मिल जाते हैं 2023 में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी TVS अपाची RR310 को लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान करते हैं, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं बिंग। दोस्तों, वीडियो चलेगा मेहनत चलेगा तो प्लीज अपने एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेलकन दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके लुक के बारे में, तो आपको बता दें कि जो RR310 आती है इसके लुक को लेकर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो लुक है ना वो पहले से ही काफी यूज हो काफी मस्कुलर लगता है देखने में। ये इसका रेसिंग रेड कलर है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं रेड ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक देखने को मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों, ग्राफिक्स वाइज लुक्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए RR310 की बैचिंग मिल जाती है, नीचे आपको अपाची की बैचिंग देखने को मिल जाती है स्टिकर के साथ। तो दोस्तों, लुक्स वाइज कलर वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़े और सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको मिलता है E20 की बैचिंग, यानी कि इथेनॉल 20 वाला मॉडल है। तो दोस्तों, अब आपका जो बाइक है ना अपाची RR310, ये भी फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो ये जो बाइक है ना अब 80% पेट्रोल यूज करेगी, 20% इथेनॉल यूज करेगी। तो जो E20 वाला जो पेट्रोल आएगा ना, नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखिए फ्रंट से इसका जो लुक है ना वही सेम आपको पहले की तरह काफी स्पोर्टी लगता है देखने में, एरोडायनामिक लुक मिल जाता है। लुक्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे देखिए काफी बड़ा आपको विंडशील्ड देखने मिल जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट मिल जाता है, जो काफी अच्छा लगता है देखने में, और साथ ही साथ सामने से आने वाली हवाओं को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको हॉर्स का लोगो मिल जाता है, जो कि आपको स्टिकर मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की ग्राफिक देखने को मिलती है। इसका जो हेडलैम्प मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें आपको DRL मिल जाते हैं। इसका जो हेडलैम्प मिलेगा ना, आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसकी जो रोशनी है, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो इसके हेडलैम्प की रोशनी को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले वाला आपको हेडलैम्प क्वालिटी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड इंडिकेटर के बारे में, तो इसका जो साइड इंडिकेटर है वो भी आपको LED देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं थोड़े से इसके प्राइस के बारे में, तो हम आपको इसका सबसे पहले एक्सम प्राइस बता देते हैं। तो इसका जो एक्सम प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 274,000 रुपए एक्सम UP वाराणसी के प्राइस। इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा ना, वो लगभग आपको पड़ेगा 318,000 से 319,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको 2023 में देखने को मिल जाएगी कम्प्लीट। तो दोस्तों, अब इसकी जो प्राइस है ना पहले से 2 से 3 हजार रुपए बढ़ चुकी है 2023 में। और अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है उसकी बात करते हैं। तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वो मिलता है इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देगा। इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वो मिलता है 300mm का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसमें आपको डुअल डिस्प्ले पहले मिलती थी, अभी भी देखने को मिल जाती है। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलता है 110/17 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसका जो अलावे लेंस का जो टायर साइज है वही सेम मिलती है। और यहाँ पे देखिए साइड से इसमें देख सकते हैं, इस साइड में देखिए RR310 की बैचिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, इसके हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो हैंडल बार पे स्विचेस मिलते हैं वही सेम मिलते हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच हैजार्ड स्विच देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए मैनुअली कंट्रोल करने के लिए मीटर कंसोल को यहाँ पे 4 स्विच मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर स्विच देखने को मिल रही है, स्लीपर क्लच इसमें भी आपको देखने मिल जाता था पहले भी। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे देख सकते हैं इंजन ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल रही है। और अगर हम मीटर कंसोल पे आते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि मीटर कंसोल जो है ना ये पहले से काफी एडवांस काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। तो मीटर कंसोल में आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है। मीटर कंसोल को अगर हम डिटेल में बताने लगेंगे तो ये जो वीडियो है ना काफी लंबी हो जाएगी। मीटर कंसोल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो मीटर कंसोल में आपको वही सेम फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हैं मेनू मिल जाता है, राइडिंग मोड मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक मोड देखने मिल जाते हैं। इसमें आपको 4 राइडिंग मोड देखने को मिल रहे हैं। नीचे आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी मिल जाता है, ड्रे ट्रिप मिल जाता है। उसके नीचे आपको व्हीकल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसमें सर्विसिंग कब कराना है, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं आप लोग, इसमें 3 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। नीचे आपको परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो बाइक है ना कैसा
परफॉर्मेंस दे रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो RR 310 है ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं TVS की तरफ से। और अगर हम फ्यूल टैंक पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के ऊपर देखते हैं RR 310 का आपको 3D लोगो मिल जाता है। कैप के ऊपर देखते हैं 2023 में आपको E20 की बैचिंग देखने को मिल रही है। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वही सेम आपको पहले वाली मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में तो दोस्तों इसका जो इंजन है वो पहले से चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले इसमें आपको आती थी BS6 इंजन, लेकिन अब इसमें आपको मिल रहा है BS6 फेज 2 इंजन, जिसे हम लोग BS7 भी बोल सकते हैं। तो इसका जो इंजन कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं तो इंजन कैपेसिटी वही सेम मिलता है। इंजन कैपेसिटी में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वही सेम आपको 312.2 सीसी का SI4 स्टॉक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल रिवर्स इनलाइन सिलेंडर मिल जाता है, इनलाइन इंजन मिल जाता है, जो कि आपको BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है। इसका जो मैक्स पावर मिलता है उसकी बात करते हैं तो इसमें आपको जो राइडिंग मोड मिलता है उसके तहत का जो इंजन है जो पावर जनरेट करेगा वो आपको अलग अलग जनरेट करेगा। तो स्पोर्ट और ट्रैक मोड में ये आपको जो पावर जनरेट करेगी वो 34 PS का जनरेट करेगी, और अर्बन और रेन मोड में आपको 25.8 PS का पावर जनरेट करेगी। मैक्स टॉर्क जो मिलेगा वॉक मिलता है स्पोर्ट और ट्रैक मोड में आपको 27.3 Nm का, लेकिन जो अर्बन और रेन मोड है उसमें आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 25 Nm का। इसमें आपको स्लीपर क्लच FI सिस्टम वही सेम आपको पहले वाले मिलती है, इसमें आपको इंजन में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। लेकिन हाँ, एक और बड़ा बदलाव मिलता है कि पहले इसमें आपको OBD1 मिलता था, लेकिन अब इसमें भी आपको मिलता है OBD2 सेंसर है। तो दोस्तों अब इसका जो इंजन है पहले से और ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। इसमें आपको जो गियर बॉक्स मिलते हैं वही सेम मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं सीट पे तो यहाँ पे देखिए इसका जो सीट है इसका जो राइडर सीट है काफी कंफर्टेबल आता है, इसमें आपको राइडिंग करते समय काफी कंफर्ट फील करे। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको व्हाइट कलर की स्टिकर वाली ग्राफिक्स मिल जाए जो कि काफी अच्छा लगता है देखने। इसका जो पिलन राइडर सीट है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए RR 310 की बैचिंग देखने मिल जाती है, काफी मतलब एरोडायनामिक लुक मिल जाता है जो कि इसके लुक को और ज्यादा स्पोर्टी बनाती है। पिलन फुटेज का जो चैन मिलेगा आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं रियर प्रोफाइल से तो रियर में आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको LED टेलाइट मिल जाती है जो कि सेम डिजाइन में मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में, उससे पहले यहाँ पे देखिए इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 2023 मॉडल है, जहाँ पे आप देख देंगे 10/4/2023 की बैचिंग देखने को मिल रही है। तो आप लोग क्लियर होंगे ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में तो रियर में आपको मिलता है 240mm का पेटल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जिसमें आपको EBS की चैन देखने को मिल रही है। इसका जो रियर टायर है वो मिलता है 150/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है, जो कि मैकलेन का टायर मिलता है जो कि रेसिंग ट्रैक के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है मोनो ट्यूब फ्लूटिंग पिस्टन गैस असिस्ट शॉक एब्जॉर्ब सस्पेंशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जो सस्पेंशन है वही सेम मिलता है जो कि आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो दोस्तों सस्पेंशन वाइज वही सेम मिलती है, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। इसके एग्जॉस्ट है वो भी आपको सेम मिलता है, इसके एग्जॉस्ट का साउंड है वो भी पहले बार देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थे 2023 मॉडल TVS Apache RR 310 के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसकी जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1135mm, इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2001mm, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1365mm का, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180mm का, सीट हाइट जो मिलेगी वॉक मिलती है 810mm का। तो इसका जो सीट हाइट है थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो अगर आप लोग की हाइट जो है 5'11" या फिर 5'11" या फिर 5'10" से ऊपर ही हो तभी आप लोग इस बाइक को लीजिएगा, या फिर आप लोग लेने से पहले आप लोग टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। इसका जो कार्बेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 174 kg। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वॉक मिलती है 11 लीटर की। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, इसके डायमेंशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी थोड़ी से मेन चेंजेस बता देते हैं कि 2023 में इसमें आपको क्या चेंजेस मिलते हैं। पहला, इसकी जो प्राइस है पहले से 3000 रुपए बढ़ चुकी है। दूसरा, इसमें आपको E20 टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तीसरा, इसमें आपको BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। चौथा, इसमें आपको OBD2 सेंसर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही सारे चेंजेस 2023 में इसमें देखने को मिलते हैं, बाकी जो बाइक है वही सेम है, इसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप लोग बताना कि RR 310 आप लोगों को कैसी लगती है, स्पेशली जो रेसिंग रेड कलर है ये मेरी फेवरेट कलर है, आप लोग को ये कलर कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, सवाल करना है या फिर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पर नीचे हमारी इंस्टाग्राम ID सो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के लिए कुछ करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।